पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत में हुनर की कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। यहाँ आंखों से 100% दिव्यांग बच्चों का ग्रुप रंग बिरंगे मोतियों को और विभिन्न तरीके के आइटम्स को मिलाकर राखियां बना रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई खबर दूसरे लोगों के लिए प्रेरित करने वाली है। दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी वो जिंदगी में रोशनी पा सकते हैं। हालांकि इन लोगों को हर कोई राखी बनाता देख ये सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये बच्चे राखी बनाने का काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रंगों और मोतियों के अलावा अन्य कई सामग्रियों को कॉम्बिनेशन में लगाकर ये राखियां तैयार की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दृष्टिबाधित बच्चों ने एक बार फिर अपने हुनर का डंका बजवाया है। दृष्टिबाधित बच्चों ने अपने हाथों से रामलला के लिए राखियां बनाकर अयोध्या भेजी है। दिव्यांग विक्रम बताते हैं कि वे और उन जैसे अन्य बच्चे भी किस तरह से राखी तैयार करते हैं। साथ ही दिव्यांग विक्रम ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने रामलला के लिए राखी बनाकर अयोध्या भेजी है और इस बात की उनके ग्रुप को बहुत ही ज्यादा खुशी है कि उनके हाथों से बनाई राखी रामलला को भेजी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हम राखी भी बनाते हैं और यहाँ पर मैट का काम भी सीखते हैं और जिसमें मोबिलिटी भी है, और दीपावली पे हम दिए का काम भी करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जी। कितने टाइम से राखी बनाना सीख रहे हैं? मुझे जब पिछली बार आया था मैं तो सन 2022 में भी मैंने राखी बनाई थी रक्षाबंधन पर। आपका भी राखी बना रहा हूँ। आपकी द्वारा बनाई गई राखी कहाँ कहाँ गई है? अब तो हम हॉस्पिटल में ही सेल कर देते हैं और अब तो अयोध्या आ गई हैं रामलला के लिए हमारी बनाई हुई राखी। और हॉस्पिटल के जगह जगह से हॉस्पिटल के जो वर्कर होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, वो सभी ले जाते हैं राखी और सब लोग अच्छा भी बताते हैं। आपकी बनाई हुई राखियाँ जी 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 बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम राखी बनाएंगे, अयोध्या राखी जाएंगी रामलला के लिए, और आज ऐसा हमारे साथ में हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा। इन सभी दृष्टिबाधित लोगों को ये रोशनी चैरिटेबल अस्पताल का प्रोजेक्ट स्नेह दे रहा है, जिसके जरिए ये ट्रेनिंग लेकर सक्षम बन रहे हैं। वहीं उन्हें इस मुकाम तक ले जाने वाली चैरिटेबल हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट स्नेह की डायरेक्टर शिखा गुप्ता हैं। शिखा गुप्ता बताती हैं कि जब पहली बार उनके अस्पताल में ये बच्चे इलाज के लिए आए थे तब उनका कोई इलाज हो ही नहीं सकता था। तभी से उनके लिए कुछ करने का मन था, जिसके बाद एक कोशिश की और दृष्टिबाधित सभी बच्चों को सक्षम बनाने का प्रयास किया और आज ये बच्चे अपने हुनर के बलबूते अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं, प्रोजेक्ट स्नेह में ने इनको एक नाम दिया है और हम इनको स्नेह वीर के नाम से पुकारते हैं। ये बच्चे हमारे सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में आए थे अपनी आंखों के इलाज के लिए। तो जब मुझे पता चला कि इनकी आंखों का हम कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये बात मेरे दिल को लगातार चुभती रही और मुझे ये लगा कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत हिम्मत करके मैंने इन बच्चों को इनके घर से बुलाया और इनको अपने यहाँ बुलाकर इनको विभिन्न कलाओं में पारंगत किया। तो पिछले 3 वर्षों से लगातार मैं इनको से राखियाँ बनवा रही हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इनको एक साल मैंने इनको पैटर्न बताया कि आपको इस तरीके से बनाना है। उसके बाद ये इतने पारंगत हो गए इस कला में कि अब अपने आप ही विभिन्न में डिब्बों में मोतियाँ रख देती हूँ, उसको छाट के ये और अपने आप बना लेते हैं। अब आपने देखा होगा इन्होंने बहुत सुंदर डिजाइंस भी बनाए हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना इस बार मैं इनकी बनाई हुई राखियाँ रामलला को अर्पण करूँ
हो सकता है कि उसी इनका भाव रामलला के पास तक पहुंच जाए। तो बस ये मन में विचार आया और तुरंत मैंने उनके उस पे उसकी रजिस्ट्री करा दी और मेरे जितने भी स्नेहवीर हैं वो सब इस बात से बहुत खुश हैं कि उनकी बनाई हुई राखियां रामलला के पास गई हैं। और मैं समझती हूँ ये उनके लिए जीवन का सबसे अमूल्य उपहार है, इससे बड़ा उपहार प्रोजेक्ट स्नेह के तहत मैं उनको नहीं दे सकती। गौरतलब है कि राखी के त्योहार को अब 2 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में राखी बनाने वाले सभी दिव्यांग बच्चे काफी उत्साहित हैं और राखी तैयार भी कर रहे हैं। बच्चों का यही हुनर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश विदेश में अपनी पहचान बना रहा है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।